खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमजान की ट्रांसमिशन में एक बार फिर, और ये है हमारा रोजा कुशाई सेगमेंट, और मेरे साथ मेरे बच्चे मौजूद हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट वहाज सैयद वहाज जैदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? कैसा जबरदस्त आज चल रहा है रोजा? गुड है, गुड है, गुड है। अच्छा, हम लोग बच्चों से तो बात करेंगे, लेकिन हमारे दरमियान एक नातख्वा भी हैं, मिर्जा दानिश बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और आपसे भी नात सुनेंगे। पहले हम अपना रोज़ा कुशाई का एक सेगमेंट कर लें, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। ठीक है? अच्छा जी, ये है नाज़रीन हमारे बच्चों का सेगमेंट, और इसमें हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं वो हैं वहाज साहब, और वहाज जो हैं वो हमें बहुत सारे किस्से सुना चुके हैं, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, बीबी हव्वा का, और आज हम सुनेंगे वो क्या, कौन सा किस्सा सुनाने वाले हैं, कौन सी कहानी बच्चों को। और वहाँ पे बैठे हुए बच्चे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कहानी कहानियों में हम वो किस्से सुना रहे हैं जिनकी हमें अभी तक सही तरह नॉलेज नहीं है, और इस तरह एक मोटिवेशनल मैसेज हम तक और बच्चों तक पहुँचता है। और यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, ये भी सुनेंगे, और कौन सुनाएंगे वो हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सैयद वहाज जैदी। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये रहमत हो तुम पर, सलाम करने से मतलब होता है एक दूसरे पर रहमत हो। अच्छा जी, आज मुझे बताएं आज कौन सी कहानी सुना रहे हैं? उम्र छोटी लेकिन जिसारत बड़ी। सुनाऊंगा आज मैं आपको हबीब खुदा की, हबीब की कहानी। आय हाय, क्या बात। ये मेरी वो बीबी जो महफिल है, जो सैयदा कहलाई गई, ये बीबी वो बीबी जो गोशे तहारत में ताहिरा कहलाई गई, ये बीबी वो बीबी जो घेरा इमारत में मलिकतुल अरब कहलाई गई, ये बीबी वो बीबी कि जिसकी दौलत ने मक्के के गरीबों को गनी कर दिया, और खुदा ने इन्हें हमारी पहली अम्मी कर दिया। आए, जी हाँ नाजरीन, वो बीबी कि जो सैयदा ताहिरा मासूमा उम्मुल मोमिनीन यानी बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके इल्म का ये आलम कि वरका बिन नौफिल जैसे बड़े आलिम से इल्म के मुबाहिसे करते नजर आती हैं, जिनके हिल्म का ये आलम कि मक्के की वो औरतें जो एक कहकर मुंह फेर लिया करती थी कि इन्होंने तो एक यतीम से शादी की है, उनसे भी अपने लुत्फ व करम से मेहरबान होती है। इनकी वफादारी का ये आलम कि अपना माल धन दौलत सब कुछ रसूल को दे दिया। सुभान अल्लाह, कि आपके कदमों की खाक है, ये मैंने आपको अदा किया, आपके पास है, अब ये अब इसका जो करना चाहे आप इससे वो करें। बड़ी बात, बड़ी बात। हालांकि कोई भी अपने दौलत माल किसी को भी देना नहीं चाहता, इनकी वफादारी थी, इन्होंने रसूल को दे दिया। जिनकी इबादतों का ये आलम के रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाली पहली खातून करार पाई गई। तारीख ये रकम करती है कि जब आप रसूल के अक्त में आई, तो जब आप दोनों का अक्त हुआ तो आप अपने साथ 400 कनीजे और कई सौ गुलाम लेकर आई, और अपनी तमाम लालो जमरुद दौलत सोना चांदी सब कुछ लेकर आई। गुलाम बीच में रखते जाते थे, एक जानेब रसूल थे, एक जानेब बीबी थी, और बीच में दौलत थी, और इतनी रखती गई, गुलाम रखते जाते थे, बिलाकर इतनी जमा हो गई कि रिसालत दौलत के पीछे छुप गई। अब यहाँ खतीजा की शान देखिए, ऐसी शान बेनियाजी से उन्होंने ठोकर मारते हुए कहा कि वो हीरे जवाहरात कि जो मुझे मोहम्मद की सियारत से महरूम कर दे, मुझे वो सिर्फ मिट्टी के ढेर के सिवा मेरी नजरों में उनकी कोई अहमियत नहीं है। जी हाँ नाजरीन, इनकी ये तो फजीलत थी, और साथ ही साथ इनकी एक फजीलत का ये आलम था कि बेटी तो ऐसी बेटी कि साहिबे सरवत, कि बाप ने अपना सब कुछ इनके कुर्बान कर दिया इन पर। जोजा तो ऐसे जोजा कि रसूल ने कहा रिसालत के लफ्ज से जुमले अदा हुए कि खुदा ने मुझे खतीजा से अच्छी जोजा आता ही नहीं की, ये मुझ पे उस वक्त ईमान लाई जब मुझ पे ईमान लाने वाला कोई ना था। अल्लाह अल्लाह। और
वालिदा माँ तो क्या ही बताऊँ, ऐसी माँ कि वो बीबी कि जो जन्नत की मालिकन है, उनकी जन्नत इनके कदमों के नीचे करार पाई। सुभान सुभान। मगर अफसोस इसी माहे रमजान में ता आज ही 10 रमजान को ये बीबी अपनी चहीती बेटी बीबी से, बीबी फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा से ये कहती नजर आती है कि अपने बाबा तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दीजिए, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है कि जिससे मैं कफन पहनूं, जिससे मैं कफन बनाऊं। तो और खुशनसीबी का आलम ये कि रसूल ने अपना कुर्ता मुबारक उतारा, उतार के दिया और इरशाद करने लगे कि खदीजा आपका कफन यही है। सोच कि शोबे अबी तालिब की सख्तियों ने बीबी को कमजोर कर दिया और बिलाखिर 10 रमजान के दिन मदरे हसनैन दुख्तरे रसूल के सर पर से मदरियत हट गई। आपकी मैं जब सुन रही थी और जो जिनके पास इतनी दौलत, इतनी जिसे कहते हैं मालो मता, और उन्होंने कुर्बान कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आज दुनिया में देखो तो सब उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, इंसानियत को ढूंढ के रिश्ता नहीं करते, जबकि ये मेरी बेटी को खिलाएगा अच्छा, इसको गृहस्थी अच्छी देगा तो मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी, आजकल दुनिया में ये देखते हैं ना। बेशक। और जिनके पास इतना कुछ था तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने मुझे खुद आपके अल्फाज सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया चीज़ों को माल मता के पर कुर्बान करती हूँ मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये होती है बीवी के हकूक और बीवी का हक और जो शौहर के लिए उन्होंने सोचा। तो अल्लाह पाक हम सबको अपना अखलाक बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए और उम्मुल मोमिनीन तमाम उमाओं की सरदार हज़रत खदीजतुल कुबरा के जो नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और ये गिफ्ट है टेस्ट लैंड की जानिब से आप लोगों के लिए। पहले ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताह हबीब है। माशाल्लाह मोहम्मद ताह हबीब। सिपारा पढ़ते हैं जी? कुरान पढ़ते हैं जी। मदरसा जाते हैं जी? ट्यूशन जाते हैं नहीं? नहीं स्कूल जाते हैं नहीं? क्यों? मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। अच्छा 8 से 4। अच्छा फिर तो आप हिफ्ज कर रहे होंगे ना जी? चले अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। अच्छा एक और बात बताऊंगी मैं, आवाज जो लोग हिफ्ज कर रहे होते हैं ना उन बच्चों का जरा सा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनको जो है ज्यादा एनर्जी की या मिनरल्स की और विटामिन की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दोहरा रहे होते हैं, तो उनको दिमाग जो है ना वो कमज़ोर ज़्यादा होता है। तो उनको जैसे मैंने अक्सर देखा है माओं को जो हिफ्ज़ करवा रही होती है तो बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखती है, ये बहुत अच्छी बात है। बादाम उनको देने चाहिए, दूध पिलाना चाहिए ज़्यादा, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं थोड़ा। अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो पढ़ तो रहेंगे लेकिन वो जिस्मानी कमज़ोर हो जाएंगे। और अल्लाह पाक हम सबको कुरान, और ये बड़ी बात है जो दिलों में कुरान रखने लगें, और हिफ्ज यही होता है कि जिनके दिल में कुरान आ जाए तो वो अपने माँ बाप की बख्शिश का और अपने दादा दादी की बख्शिश का सबब बनते हैं। तो मैं बात करूँगी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तो उदास उदास क्यों बैठे हो मेरे शहजादे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा ये जरा समझदार है ना, बिन से ये तो नहीं पूछ सकते तो टूट जाए पूरी बात है। शरारती शरारती है बहुत ज्यादा। अच्छा जी स्कूल जाते हैं शहजादे? अच्छा अब भी हिफ्ज़ कर रहे हैं? अभी आज तो देखो हाफिज कुरान आ गए हैं, देखो दो दो फ्यूचर के हैं, और बड़ी बात है। और इनके माँ बाप को सलाम, जाहिर सी बात है कुरान अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, और आज अगर जो लोगों को ये शर्फ अल्लाह पाक दे रहा है और उनके बच्चों को दे रहा है, ये बड़ी बात है। अल्लाह पाक आपके माँ बाप को भी सेहत दे और आप लोगों को भी सेहत दे। और मेरे दरमियान जो हैं दानिश, मिर्ज़ा दानिश बेग मौजूद हैं, उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अच्छा बहुत ही मशहूर ज़माना दुआया कलाम है जी जी, शो आज कोशिश करूँगा कि उसको जी जी अंदाज में पढ़ने की। Ya Mustafa Ata ho
मुस्तफा अता हो फिर ज़ेनी हाज़री का कर लूं नज़ारा के मैं आप की गली का एक बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना एक बार बेशक बना लो आका बेशक बना लो आका मेहमानी दो घड़ी का या मुस्तफा अता हो फिर ज़ेनी हाज़री का कर दूं नज़ारा के मैं आप की गली का फिर सब्ज सब्ज गुंबदे की देख लो बहारे फिर सब्ज सब्ज गुंबदे की देख लो बहारे अब इज़्ज़त दे तो आका फिर मुझे को हाज़री का फिर इज़्ज़त दे तो आका फिर मुझे को हाज़री का कर लूं नजारा के मैं आप की गली का रोता हुआ फिराओ दागे जिगे दिखाओ अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेबसी का कर लूं नजारा के मैं आप की गली का बेशक बना लो आका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात दो घड़ी का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई इधर मैंने कॉलर है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी मेरे प्यारे भाई कौन मैं अवैस अहमद बात कर रहा हूँ क्या नाम है और अवैस अहमद अवैस अहमद कहाँ से कॉल किया आपने अवैस कराची से जी जी बोलिए माशाल्लाह थोड़ा माशाल्लाह
आपको बहुत फैंटास्टिक है और मैं भी नात माशाल्लाह सुन रहा था इनकी। तो असल जो रोजे का जो मकसद होता है ना, मकसद जैसे रोजे की जो अहमियत और उस महीने की जो बरकत रहमत है वो इस तरह की नशियात से जो है कि वो दुबाला हो जाती है। तो आई रियली अप्रिशिएट जो नात खां हमारे इस्लामी भाई नात पढ़ रहे थे, इनकी आवाज माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी है। अल्लाह पाक मजीद बरकत दे इन्हें और आपको भी इसी तरीके से हिम्मत दे और अल्लाह पाक ताकि आप इस तरीके नशियात करते रहे। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको नात सुनाना चाहेंगे? जी मैं सुनाना चाहूंगा। हाँ जी सुनाए, बिस्मिल्लाह जी सुनाए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक आपके दस्तरखान वसी करे और अल्लाह पाक इतना रिज़्क दे आप औरों में लोगों में तकसीम करें, ये सबके लिए दुआएं। अच्छा जी मुफ्ती साहब ये बताइएगा, क्योंकि अभी साथ साथ सैयदा खतीजतुल कुबरा के भी जिक्र आपने किया और साथ साथ ये बात बताऊँ कि रहमत का अशर ख़त्म हो रहा है, इस अशर के बारे में हमने क्या ऐसी चीज़ें जो अभी भी कम रह गई हैं कि हम अल्लाह पाक से अभी जाहिर से दुआ की तरफ चलेंगे, तो क्या क्या रह गया हमने इस रहमत के अशरे से, क्या नहीं लूटा हमने? जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, के रहमत का अशरा हमसे जुदा होने वाला कुछ ही सातों बाद जो है ये अशरा हमसे गुजर जाएगा जी। मुझ समेत हम समेत हर एक को ये गौर तफक्कुर करना चाहिए कि आया उसने इन दस दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत को वाकई हासिल करने की कोशिश की है, अगर तो की है तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें और अगर रहमतें नहीं समेटी तो फिर उन्हें गौर तफक्कुर करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे इतना नाराज़ था कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें तौफीक ही नहीं अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स के जो रमज़ान मुबारक को पाए और वो अपनी मगफरत ना करवा सके। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर रमज़ान मुबारक को हमने पाया है और हमने सही तरह इस रमज़ान मुबारक का हक अदा नहीं किया और रहमत के अशरे से वो बरकतें नहीं समेटी, वो रहमतें हासिल नहीं की, तो फिर हमें थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मज़ीद नाराज़ हो जाए और इस रमज़ान को हमसे राज़ी ना फरमाए बल्कि ये रमज़ान हमसे रूठ कर चला जाए। तो जिससे ये रमज़ान रूठ कर चला जाएगा तो कल बरोज़े क़्यामत ये रमज़ान फिर उसके लिए शफ़ात का ज़रिया नहीं बनेगा, शफ़ात का ज़रिया यह रमज़ान उसी शख्स के लिए बनेगा कि जो इस रमज़ान मुबारक में कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करता है, रहमत के अशरे में अल्लाह की रहमतें समेटता है, मगफरत के अशरे में अपनी मगफरत करवाने की कोशिश करता है कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे और जहन्नम की आज़ादी के अशरे में जाकर वो अल्लाह तबारक व ताला से जहन्नम से आज़ादी का परवाना हासिल करता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि यह रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। इस तरह ये रमज़ान को लेकर जब हम गुजारेंगे तो इस रमज़ान को मज़ीद हम अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अगर ये तसव्वुर हम कायम करेंगे कि यह रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो सकता है और जो या जो सातें अभी बाकी हैं रहमत के अशरे की, इसमें कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, तहमीद करें अल्लाह तबारक व तआला की, इसी तरह तकबीर पढ़ें अल्लाह तबारक व तआला की,
तहमीद बयान करें, तस्बीह बयान करें, जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से बंदे पर अपने रहमतें जरूर नाजिल फरमाएगा और बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश के और जहन्नम से आजादी के जो परवाने हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर जारी फरमाएगा और बंदे की अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देगा। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो मकसद अगर हम पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी हमसे राजी होगा और कयामत में भी अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। प्यारे हबीब अलैहि सलातो सलाम के हम उम्मती हैं, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम से इश्क करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत का यही तकाजा है कि हम मनोअन नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमीन पर अमल करें, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रजा वाले काम हमें बताए हैं वो काम करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली उम्मतों की तरह अल्लाह तबारक व तआला हमसे भी नाराज़ हो जाए और हम पर भी अजाब को मुसल्लत कर दे। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। सुबह होती है तो गुनाहों में शुरू होती है, रात होती है तो गुनाहों में बसर होना शुरू हो जाती है। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ओवरऑल अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब में मुसल्लत नहीं करता। कभी भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे चेहरों को मस्क नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला जमीन को नहीं फाड़ता कि हम इसमें धंस जाएं। ये अल्लाह तबारक व तआला करम नवाजी है। ये करम नवाजी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर की है वो फकत अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तुफेल की है, क्योंकि अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब, जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं हम इन पर कभी भी अजाब को नाजिल नहीं फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश के दरवाजे खुले हुए हैं। यह रमज़ानुल मुबारक है, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की बख्शिश फरमा रहा है। और ये इफ्तार की घड़ियाँ आने वाली हैं, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है और 6 लाख लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से आज़ाद फरमा रहा होता है। तो इतना करीम परवरदिगार है, इतना रहीम परवरदिगार है कि बख्शिशों के परवाने तकसीम फरमा रहा है। तो हमें इन परवानों को लूटने की हमा वक्त कोशिश करनी चाहिए और जो अय्याम बाकी हैं इन अय्याम में कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, अल्लाह की रियाजत करें, अल्लाह का जिक्र करें, तिलावत कुरान करें और जो अय्याम बाकी हैं इसमें तरावीह बाजमाद अदा करने की कोशिश करें और दिन में रोज़ा रखें और रोज़े की हालत में इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करें और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसके सदक़े हमारी ज़रूर बख्शिश फरमाएगा। आमीन आमीन। माशाल्लाह इतनी रहनुमाई करते हैं मुफ्ती साहब के दिल करता है कि ये बात कहते रहें और हम सुनते रहें और अपने इतनी यकीन करें। मुफ्ती साहब कहते हैं अपना खुद वो एक्सेप्ट करना ना कि मुझे ये नहीं मालूम, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहूँगी वाकई में हमें बहुत सारी बातों का नहीं इल्म और अभी भी हम बहुत सारे इल्म से दूर हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम ये छोटे छोटे तरीक़ों से, ये छोटी छोटी मेहरबानियाँ होती हैं, शब मेराज, शब बरात, 27वीं, रमज़ानमबारक, जुम्मतुलमबारक, इन छोटे जो ये जो हमें एक मौका मिलता है ना कुछ एक अल्लाह पाक ने हमें ज़रिए बनाए, इनके तो फैल हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। और अल्लाह पाक से जब जिक्र करते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी अल्लाह पाक हमें तकब्बुर से बचाएं। कभी कभी हम अपनी ज़बान से ऐसी बातें करते हैं जो किसी की दिल आज़ारी हो जाती है। अल्लाह पाक इन चीज़ों से बचाएं। मैं ज़ुबैर साहब से एक इल्तिजा करूँगी कि अभी मनखबत आप सुना रहे थे, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारगाह में ये नजराना की तस्बीह पेश कर रहा हूँ। किस इंतहा पे है शाने खतीजतुल कुबरा, किस इंतहा पे है शाने खतीजतुल कुबरा, नबी का घर है मकाने खतीजतुल कुबरा।
خصوصیات میں ان کی خصوص یہ بھی ہے خصوصیات میں ان کی خصوص یہ بھی ہے کہ فاطمہ ہے نشان ختیجت کبرا کہ فاطمہ ہے نشان ختیجت کبرا اور ہمارے گھر کی خواتین کو ملے یا رب ہمارے گھر کی خواتین کو ملے یا رب بروز حشر امان ختیجت کبرا رفاقت شہ کونین کے سبب فاضل رفاقت شہ کونین کے سبب فاضل ہے بے نظیر جہان ختیجت کبرا نبی کا گھر ہے مکان ختیجت کبرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ مبارک وسلم اور اس وقت ہمارے درمیان قاری محمد زاہد رضا موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی الودی والکرم وعلی وصحابہ مبارک وسلم جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول یا
رسول اللہ اور بروز حشیر میرے اس یتی کی لاج رکھے لینا آقا بروز حشیر میرے اس یتی کی لاج رکھے لینا मौलाना मोहम्मद वाले आली सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसलम। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का स्पेशल आप पैकेज देखिए।